हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल GMBC टिप्स चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x बट्टे 2 माइनस के 1 बट्टे 5 बराबर x बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 2। तो दोस्तों समीकरण में हम क्या करते हैं, x x वाली संख्या को हम एक साइड लिखते हैं और बिना x वाली संख्या को हम एक तरफ लिख लेंगे। तो इसमें x वाली संख्या कौन सी है, एक तो हमारी x बट्टे 2 है और दूसरी हमारी x बट्टे 3 है। तो यहाँ क्या लिखा है, x बट्टे 2, तो इसको हम ऐसा के ऐसा लिख लेंगे। तो x बट्टे 2 और बराबर की इस तरफ क्या है, x बट्टे 3, लेकिन इस ये कैसी है, प्लस की है। तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो कैसी जाएगी, माइनस की। तो यहाँ माइनस की x बट्टे 3। अब बराबर की उस तरफ क्या बचेगा, x बट्टे 3 तो इस तरफ ही आएगी, तो क्या बचेगा, 1 बट्टे 4 ही तो बचेगा। अब दोस्तों ये बिना x वाली संख्या 1 बट्टे 4, तो इस तरफ हम बिना x वाली संख्या लाएंगे, तो बिना x वाली संख्या हमारी क्या है, 1 बट्टे 5, लेकिन इस तरफ कैसी है, माइनस की है। दोस्तों इसको हम बराबर इस तरफ लाएंगे तो कैसी जाएगी, प्लस की जाएगी, तो प्लस की 1 बट्टे 5। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी बट्टे की संख्या है उनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो बट्टे की संख्या हमारी कौन कौन सी है, 2 और 3, तो 2 और 3 इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 2 2 से ही कटेगी, 3 3 से ही कटेगी, तो इनका हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग संख्या से कट रही हैं। जब भी हमारी ऐसी संख्या होती है जो अलग अलग संख्या से कटती हैं, उनका हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, जिससे हमें एलसीएम मिल जाता है। तो 2 और 3 इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो दोस्तों जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया है, 6। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो 6। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 का गुणा हम किससे करेंगे, x से, तो 3x बन जाएगी। माइनस लगी तो माइनस लगाएंगे। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा हम x से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। बराबर इसी प्रकार हम दोस्तों हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 5 अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं, दोनों संख्या 4 4 से कटेगी, 5 5 से कटेगी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनका हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो जो हमारा एलसीएम निकल गया वो कितना आया है, 20। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो एलसीएम कितना है, 20। 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 5 गुणा हम 1 से करेंगे तो 5 की 5 आएगा, प्लस लगी तो प्लस लगाएंगे। 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 की 4 ही आएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 6 की 6, 3x में से 2x कटाएंगे तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। बराबर लगी तो बराबर लगाएंगे, 20 की 20। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे। 1 का गुणा हम किससे करेंगे, 20 से, और 9 का गुणा किससे करेंगे, हम 6 से। तो 20 का गुणा हम x से करेंगे तो 20x बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। और 9 का गुणा हम किससे करेंगे, 6 से। तो दोस्तों जब हम 9 का गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 54। तो यहाँ लिखेंगे हम 54। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ क्या है, 20x लिखा है, लेकिन इस गुणा में लिखा है। तो दोस्तों हम 20 को इस तरफ ले आएंगे तो किस में चेंज आएगी, भाग में। अगर दोस्तों आपको गणित के चिन्ह नहीं आते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसको आप देख लें, जिससे आपके चिन्ह क्लियर हो जाएंगे। तो एक्स बराबर यहाँ क्या आएगा, 54, लेकिन 54 में भाग किसका लगेगा, 20 का, तो 54 बट्टे 20। अब दोस्तों इसमें देखेंगे, हमारी जो दोनों संख्याएँ ये 2 से कट रही हैं। 2 का भाग हम 54 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 27 बार। 2 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार। तो जो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर 27 बट्टे 10 हमारा आंसर आया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, x-5/3 बराबर x-3/5। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इनमें हम क्रॉस गुणा करेंगे। तो 5 गुणा हम किससे करेंगे, x-5 से, और 3 का गुणा हम किससे करेंगे, x-3 से। तो यहाँ क्या है, x-5 इसमें गुणा हम किससे करेंगे, 5 से, बराबर की बराबर, और x-3 इसमें गुणा हम किससे करेंगे, 3 से। तो चलिए दोस्तों इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम 5 गुणा किससे करेंगे, x से, तो 5x बन जाएगा, माइनस की माइनस। अब हम 5 गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो क्या बन जाएगा, 25, बराबर की बराबर। अब इसके बाद हम 3 गुणा किससे करेंगे, x से, तो 3x, माइनस की माइनस। इसके बाद हम 3 गुणा 3 से करेंगे तो 9।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाली संख्या को एक साइड लिख लेंगे और बिना एक्स वाली संख्या को हम एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 5x, इस तरफ x वाली कोई संख्या है यहाँ है लेकिन बराबर की इस तरफ है। इस तरफ कैसी है, प्लस की, लेकिन इसको हम इस तरफ लाएंगे तो कैसी है, माइनस की। तो माइनस की 3x। अब इस तरफ क्या बचा है, तो इस तरफ माइनस की 9 बची है। अब हम माइनस की 25 को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ आके कैसी आएगी, प्लस की 25। क्योंकि कोई भी संख्या हो अगर उसको हम बराबर से इस तरफ लाते हैं तो अगर माइनस की होती वो प्लस की जाती है, अगर वह प्लस की होती तो वो माइनस की जाती है। तो यहाँ ये 25 किसकी है, माइनस की है, लेकिन बराबर इस तरफ आएगी तो कैसी जाएगी, प्लस की। तो प्लस की 25। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 25 में से माइनस की 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 16 बचेगा। प्लस के 16 क्यों बच रहे हैं, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसकी बचती है। तो यहाँ संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की बचेगी। तो यहाँ प्लस के 16 लिखेंगे। अब दोस्तों हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए इस 2 का भाग हम किस में देंगे, हम 16 में देंगे। तो एक्स बराबर 16/2, 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बच रहा है, 8 बार। तो जो हमारा एक्स का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8। तो एक्स बराबर 8 हमारा क्या है, आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है, 3y+4/2 -2 = -2/5। तो इस प्रकार में हम क्या करते हैं, पहले हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो 5 गुणा हम किससे करेंगे, पहले इसमें करेंगे, इसके बाद हम माइनस के 2 का गुणा हम इसमें करेंगे। तो यहाँ क्या है, 3y+4, इसमें हम गुणा किससे करेंगे, हम 5 से, बराबर की बराबर। यहाँ क्या है, 2y+2, इसमें गुणा हम किससे करेंगे, माइनस के 2 से करेंगे। तो 5 गुणा हम किससे करेंगे, 3 से, तो 5 दिया 15y, प्लस की प्लस, 5 गुणा हम 4 से करेंगे तो 20, बराबर की बराबर। माइनस 2 का गुणा हम 22 से करेंगे तो माइनस की 2y, माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बाई बाई संख्या एक तरफ कर लेंगे और बिना बाई वाली संख्या को हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है, 15y, इस तरफ क्या है, माइनस की 2y, तो इस तरफ लाएंगे तो कैसे आएंगे, प्लस की 2y, बराबर क्या बचा है, माइनस की 4, और 20 प्लस के 20 को इस तरफ लाएंगे तो कैसे जाएंगे, माइनस के 20। प्लस के 15y प्लस के 2y इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 17y, बराबर माइनस के 4 और माइनस के 20। तो दोस्तों माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह हमारा माइनस की रहता है। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। तो जो 24 आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के 24। तो दोस्तों हमें बाई का मान निकालना है, तो 17 का भाग हम इसमें देंगे, तो बाई बराबर माइनस की 24/17 हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।